Hi guys and welcome back to the channel. I hope you all would be doing good. I'm doing extremely fine and I welcome you all to yet another video. And today I have with me this is the 2010 Toyota Fortuner, the first generation model, with the 3.0 diesel engine, and that too with the four-wheel drive system. So this video is not going to be any review or anything like that of sorts, and this video is going to be very helpful to you if you have this baby, that is the Toyota Fortuner with the four-wheel drive system, or you have any vehicle which has this, that is the differential lock system. So this video is going to be about how does it function and all that stuff, what is the high low, what is the neutral and all that stuff, basically what is the use of this gear lever. So yeah, let's get started. तो यार वीडियो शुरू होने से पहले एंड बेसिकली बिफोर गेटिंग टू नो द फंक्शन ऑफ द डिफरेंशियल सिस्टम, आपको बेसिकली ये पहले पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल सिस्टम लॉक, सेंट्रल डिफरेंशियल लॉक सिस्टम है क्या. तो बेसिकली ना इस फॉर्च्यूनर में सेंट्रल डिफरेंशियल लॉक सिस्टम आता है. तो व्हाट इट बेसिकली मीन्स इज, मतलब अगर मैं आपको एकदम सिंपल लेमन भाषा में बोलूँ ना, तो उसका ये मतलब है कि जो टायर हैं, सारे टायर जो है ना वो सेम स्पीड में रोटेट करेंगे. तो बेसिकली ऑफ रोड में हेल्प करता है, ठीक है ना. और सारी 4x4 व्हीकल्स में ही फंक्शन होता है टू लॉक द डिफरेंशियल्स एज वेल, लाइक जो एच एल मैं आपको अंदर दिखाऊंगा अभी, वो चीज़ तो वो है बस, सिंपल सी बात. मतलब कि जो सेंट्रल डिफरेंशियल लॉक है वो सारे व्हील्स को इक्वली पावर देगा. और तो डिफरेंशियल लॉक और सेंट्रल डिफरेंशियल लॉक डिफरेंट कैसे हैं. तो सेंट्रल डिफरेंशियल लॉक होता है कि जैसे जब मान लो अगर आपकी गाड़ी है ना, वो आपकी जो डिफरेंशियल लॉक है वो दो पहियों को सेम पावर से घुमाएगी, मतलब सेम स्पीड से घुमाएगी, ठीक है. वेराज जो सेंट्रल डिफरेंशियल लॉक है वो आपके चारों पहियों को सेम पावर देगी, मतलब सेम स्पीड से घुमाएगी आपका सेंट्रल डिफरेंशियल लॉक. तो बस यही है. तो ये बेनिफिट ये करता है कि जैसे मान लो आपकी गाड़ी कहीं फंस जाती है तो वो तुरंत निकल जाएगी अगर आप उसको सेंट्रल डिफरेंशियल लॉक पे डालोगे तो. वेराज जो क्या बोलते हैं, जो डिफरेंशियल लॉक है वो सिर्फ दो ही टायरों को सेम स्पीड से घुमाएगा. तो ये डिफरेंस है सेंट्रल डिफरेंशियल लॉक और डिफरेंशियल लॉक के बारे में. तो आई होप आपको समझ आ गया होगा. अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि अब वो गियर्स का क्या यूज़ है जो अंदर लगे हुए हैं. सो कमिंग टू दिस इज बेसिकली द डिफरेंशियल सिस्टम ऑफ योर फोर व्हील ड्राइव व्हीकल. सो करंटली दिस इज इन द एच, दैट इज द नॉर्मल मोड, एंड दिस इज नाउ इन द एच लो, यू कैन सी द सिंबल हेयर. एंड नाउ इफ आई जस्ट पुट इट लाइक दिस, so now it is currently in the neutral, and if I just put it like, if I put it forward once again, so now it is currently in the low. So let me just start off by telling you about the H from the starting actually. So this is the H normal. So basically what it does is, isme na gaadi basically 4x4 mein rahegi and the differentials they will not get locked, and without a differential lock all the wheels will like, jo sare pehiye hai wo na ek sath hi ghumenge. To इसमें ट्रैक्शन के हिसाब से घूमेंगे सारे पहिए अपने आप, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी. तो यही मोड है जिसमें मतलब आपको नॉर्मली चलानी चाहिए. उसके बाद है आपका एच लो, ठीक है. अब एच लो में क्या होगा कि आपने एच लो पे डाल दिया तो यहाँ पे सिंबल भी आ जाएगा. तो एच लो में ये हुआ कि जो आपकी जो 50% पावर है आपके पीछे वाली व्हील्स पे जाएगी और 50% पावर जो है वो आपके आगे वाले व्हील पे जाएगी. तो यही है, इसमें सेंट्रल डिफरेंशियल लॉक लग चुका है, ठीक है. तो इसमें इसलिए जो है पावर 50% आगे 50% पीछे जा रही है, ठीक है. और क्या बस इसमें, ये बेसिकली तब यूज़ होगा जैसे आपकी रोड स्लिपरी है या फिर आपको ट्रैक्शन जहाँ नहीं मिल रहा है, जैसे सैंड हो गया, मड हो गया, तो वैसी जगह पे एच लो का यूज़ करते हैं, ठीक है. तो अगर अब मैं इसको न्यूट्रल पे डाल दूँ ना, तो जैसे मैं इसको न्यूट्रल पे डाल दिया, तो न्यूट्रल पे अगर मैं इसको डालूंगा तो जैसे मैंने अभी क्लच पूरा दबा रखा है, ठीक है. तो अगर मैं क्लच पूरा दबाऊँ और मैं किसी गियर पे डालूँ तो, और मैं क्लच छोड़ूँ तो गाड़ी मूव ही नहीं होगी आगे, चाहे मैं किसी भी गियर पे डाल लूँ, ठीक है. सेकेंड पे डाल के करूँ तो नहीं होगी. दैट इज़ बिकॉज क्योंकि इसमें ना एक तरह से सारे गियर लॉक हो जाते हैं न्यूट्रल पे. तो न्यूट्रल का यही फंक्शन है बेसिकली, ये क्या बोलते हैं उसमें यूज़ होता है, क्या बोलते हैं जब आपको अपनी गाड़ी टो करनी हो ऐसा कुछ, ठीक है. फिर जो लास्ट मोड है वो LL है. तो अगर मैं इसको और थोड़ा आगे फॉरवर्ड करूँ तो ये LL पे लग जाएगी, ठीक है. तो इसमें अब होगा क्या, तो गाइस जिसको बोलते हैं आपका लो, जिसको मैं लो बोल रहा था, उसको बेसिकली सेंटर लॉक विद लो रेंज बोलते हैं, ठीक है ना. और जैसे आप इसको ना बेसिकली तब डालोगे जब गाड़ी में आपको एकदम से जान चाहिए, ठीक है. तो इसको आप डालती ना, एक पहली बात तो उसका ट्रैक्शन कंट्रोल अपने आप ऑफ हो जाएगा गाड़ी का, ठीक है. और बेसिकली ये करेगा क्या कि ना, ये गाड़ी में इतनी पावर, मतलब जो टॉर्क है ना आपको वो फील होगा गाड़ी में इसका. और जैसे ही आप इसको क्या बोलते हैं, जैसे आप इसको फर्स्ट गियर पे डालोगे तो जैसे अभी मैं इसको फर्स्ट गियर पे डालूँ ना और मैं स्पीड दूँ, तो इसकी आपको इंजन की आवाज़ से आप मेकआउट कर पा रहे हो कि ना ये टॉर्क ज़्यादा आ रही है लेकिन स्पीड उतनी नहीं आएगी. जैसे आप देख रहे हो स्पीड उतनी नहीं बढ़ेगी लेकिन पूरी जान लगा देगा, पूरी गाड़ी पूरी जान लगा देगी. सेकंड गियर में मैंने डाली, अभी स्पीड उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी इसकी टॉर्क बढ़ेगी. मतलब टॉर्क बोल रहा हूँ, मतलब RPM मीटर जितनी देरी से क्लाइम करेगा ना उतनी देरी से स्पीडोमीटर नहीं क्लाइम कर रहा होगा अभी.
तो यही बात है, ये लो रेंज जो सेंट्रल डिफरेंशियल विद लो रेंज है इसी काम आता है, और बेसिकली इसमें ना चारों पे में सेम स्पीड से घूमेंगे, और चाहे हमको ट्रैक्शन मिल रहा हो या ना मिल रहा हो। तो बस यही था इस वीडियो के बारे में, ये चारों फंक्शन के बारे में बताना था मुझे आपको, आई होप समझ आ गया हो। तो मैं इसको अभी करंटली फिर से लो पे डाल देता हूँ, तो अभी सॉरी एच पे डाल देता हूँ, तो अभी एच पे आ गई वापस से। तो बस यही थे इसके फंक्शन। तो आपको सेंट्रल लॉक विद लो डिफरेंस, सेंट्रल डिफरेंशियल लॉक विद लो रेंज का क्या फंक्शन होता है, तो कैमरा मैन एक बार यहाँ पे दिखाइए। तो अभी मैं इसको डालूंगा सेंट्रल डिफरेंशियल लॉक लो रेंज पे, ठीक है। अब मैंने इसको डाल दिया, अब होगा ये कि जब मैं इसको फर्स्ट गियर पे डालूंगा ना, और जब मैं इसको उठाऊंगा, हैंडल में डाउन कर दिया, तो गाड़ी की ना जो टॉर्क है वो आपको फील होगी अभी। तो जैसे भी मैं सेकंड गियर पे मैंने अभी डाल दी, तो अभी होगा ये कि अभी तो ऐसे रफ पैच है, तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, कैमरा मैन थोड़ा पीछे करो, मैं आपको पहले बताता हूँ। इसमें होगा कि ये कि ना आपको टॉर्क, इसमें स्पीडोमीटर, इसमें गाड़ी की स्पीड उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी गाड़ी की आरपीएम लेवल बढ़ रहे होंगे। मतलब ये इसका कि ना जो आपको गाड़ी की जान है वो फील होगी इसमें। तो जैसे भी मैं एकदम एक्सीलेटर दबाऊं, तो आप आवाज़ से फील कर पा रहे होगे कि ना इसमें जान ज़्यादा लग रही है। जैसे हम फर्स्ट गियर में गाड़ी को खींचते नहीं, हमें खींचते जाते हैं, वैसी जान लग रही है अभी इसमें। और मैं अभी इसको हूँ सेकंड गियर में खींच रहा हूँ। तो ये बेसिकली तब यूज़फुल है जैसे आप कहीं फंस जाओ। और इसमें ना आपको गाड़ी में चारों टाइम इसको, इसमें बेसिकली ये होगा कि पहली बात तो आपका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, आपके चारों टायर में पावर आ रही होगी, और चाहे उनको ट्रैक्शन मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, तो बेसिकली इसमें अब कैमरा मैन नंबर ये इधर आओ, मैं आपको पहले स्वीट रोड पे लेके चलता हूँ, मैं सीधी रोड पे, उसके बाद मैं आपको स्पीडोमीटर दिखाता हूँ। यही है ना, यही से ना प्रियंक? तो अगर मैं जैसे ना अभी एक्सेलरेट करूँ, तो आप देखो कि ना आरपीएम 4000 पे है लेकिन स्पीड 20 पे ही है। तो ये इसका मतलब ये था, अब तो मैंने थर्ड पे शिफ्ट कर दी। तो बस ये फंक्शन था इसका। तो कैमरामैन, तो या गाइस दैट वाज इट अबाउट द सेंट्रल लॉक डिफरेंशियल विद द लो रेंज। सो या गाइस दैट वाज अ कंप्लीट वीडियो अबाउट द डिफरेंशियल सिस्टम ऑफ द 2010 फॉर्च्यूनर विच कम्स विद द ऑल टाइम फोर व्हील ड्राइव ऑप्शन। एंड या अगर आपको यार वीडियो समझ आई ना, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड या दैट वाज प्रीटी मच इट अबाउट दिस वीडियो। ऑल्सो दिस फॉर्च्यूनर हैज डन ऑलमोस्ट क्लोज टू 550,000 किलोमीटर एंड इट इज बटरी स्मूथ। सो या दैट वाज इट अबाउट द वीडियो, एंड हियर इज प्रियांक वॉकिंग। सो या गाइस टेक केयर एंड या स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, एंड आई विल सी यू इन येट इन द वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।